हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सीमेटिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी 6A MMC के बारे में। तो भाई ने कमेंट किया था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 6A का MMC मैंने प्रोग्रामिंग किया था, सिक्योरिटी फाइल को रीड करके राइट भी किया था, बट सेट ऑन होने के बाद IMEI शो नहीं कर रहा था। कैसे प्रोग्रामिंग करें कि IMEI नल ना हो? तो भाई का कहना है कि उन्होंने प्रोग्रामिंग करके MMC लगा दी है और उसमें सिक्योरिटी फाइल रीड करके, मतलब कि जो फाइल थी उसको रीड करके भी डाली है, पर उनकी IMEI चली जाती है या फिर 00 या फिर नल हो जाती है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको कोई 6A की MMC ले लेनी है जो कम्फर्टेबल हो, यानी कि इस सेट के सपोर्ट करता हो। और अगर आपके पास सेम इसी फ़ोन की MMC है, यानी सैमसंग की या SK हाइनिक्स की जो भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। और आप RPM भी क्लीन करें या ना करें तब भी आपका काम हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास UEFI टूल है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आपको जाना है जहाँ पे हम फ्लैशिंग करते हैं, वहाँ पे आपको MTK वाली फ़ाइल को एक बार लोड करना है, जो हमारे फ़ोन की फ्लैश फाइल होगी, यानी इस केस में हमारा 6A है, तो उसको हम लोड कर लेंगे। तो आपको फ्लैश फाइल लोड कर लेनी है, उसके बाद आपको नीचे MMC वाला मतलब सब दिखेगा कि कौन कौन सी MMC सपोर्ट करता है। तो अगर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है तो आपकी MMC आराम से आपके 6A फ़ोन पे लग जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और RPM भी क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में भाई का कहना है कि मेरे पास दूसरी MMC नहीं है, मतलब कि इसी फ़ोन की MMC है जो इस फ़ोन पे पहले से लगी हुई थी, उसको उन्होंने निकाला है, उसको प्रोग्राम किया है और उसमें सिक्योरिटी फाइल भी राइट की है, मतलब उसी फ़ोन की, किसी अदर फ़ोन की नहीं। फिर भी फ्लैश करने के बाद इनकी IMEI मतलब कि चली जा रही है। तो आपको सबसे पहले फ़ोन को ENG फ्लैश फाइल से फ्लैश कर लेनी है, उसके बाद आपको फ़ोन को ऑन करना है। अगर फ़ोन आपका पूरी तरीके से ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको फ़ोन स्टक रहता है यानी एंड्रॉयड पे लटक जाता है काफ़ी देर तक, तो आपको एक बार फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लेना है, उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है UMT का जो ओल्ड वाला वर्जन था, MTK वाला, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, MTK 5.0 वाला, इसको आपको ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे देखिए MTK 1 क्लिक वाला आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना। आपको यहाँ पे दिख रहेंगे ऑप्शन ढेर सारे, यहाँ पे एक दिख रहेगा पैच मॉडर्न और NVMe फॉर्मेट रेडमी 6 और 6A, ठीक है, इस पर सेलेक्ट करके आपको एग्जीक्यूट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डन हो जाने के बाद, जब आपका पूरा डन हो जाए, उसके बाद आपको टूल वाला ऑप्शन खोल लेना है। टूल वाला ऑप्शन खोलने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जहाँ पे ओप्पो दिखा रहा है यहाँ पे आपको रेडमी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे लिखा है मेटा ओल्ड, मेटा ओल्ड की जगह आपको बदल कर मेटा न्यू कर देना है। उसके बाद आपको IMEI पे टिक कर देना है और आपके फ़ोन के पीछे स्टिकर लगा होगा, वहाँ से IMEI आप देख कर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, यानी रिपेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका IMEI समझो डन हो गया। अगर फेल होता तो आप कई बार ट्राई करेंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेना है और आपको अभी फ्लैश नहीं करना है, आपको एक काम करना होगा फ्लैश करने से पहले। तो आपको ये काम करना होगा, आपको एक मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। तो आपको यहाँ पे CPU के पास एक रजिस्टर लगा होगा, ये सिम ट्रॉली के पास, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं। तो आपको जिस पे येलो वाले से मार्क किया हुआ है उसी को निकालना है, उसको आपको रिमूव कर देना है। फ्लैश फाइल चढ़ाने से पहले निकालना है, फ्लैश फाइल चढ़ाने के बाद नहीं निकालना है। तो आप फ्लैश फाइल चढ़ा मतलब IMEI राइट करने के बाद आपको इस चीज़ को निकाल देना है। तो इसके बाद आपको फ्लैश कर देना है, किसी भी ग्लोबल रोम से कर देना, लेटेस्ट या ओल्ड वर्जन वो आपके ऊपर। उसके बाद आपका काम 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।